बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मोहम्मद नुमान कयूम, तुसी देखते पे हो गंदारा हिंदको टीवी। आज दी ताज़ा खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास अज हो सी। काबीना इजलास इजाफी हज कोटे की मंजूरी दिते जाने का इम्कान है। इजलास काबीना ने मुल्की मौजूदा निज़ाम तालीम के मुतालिक ब्रीफिंग दी जैसी, जबकि मदरसियां कौमी धारे लियाने वास्ते पेशरफ का जायजा भी लिता जा सी। कौमी असम्बली कबायली इजलास कौमी ते सूबाई असम्बली की नशिस्तां च इजाफे के मुतालिक 26वां आईनी तरमीमी बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिता गया है। फाटा की कौमी और सूबाई नशिस्तां वधाने के हवाले नाल तरमीमी बिल नूं 278 वोटां नाल मंजूर किया गया है, जबकि किसी भी रुकन ने बिल की मुखालफत नहीं की। कौमी असम्बली से तरमीमी बिल मंजूर होने के बाद सैनेट पेश किया जा सी, जिस दे बाद सदर मुमलिकत नूं मंजूरी वास्ते भेजा जा सी। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च मसीतां के दहशतगर्दां ने हमले की तहकीकात वास्ते रॉयल कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिता है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक न्यूजीलैंड कानून के मुताबिक रॉयल कमीशन अदालती तहकीकात का आला तरीन फोरम है, जरा 15 मार्च 2018 क्राइस्ट चर्च की दो मसीतां ने हमले की तहकीकात कर सी, जायजा लै सी कि सिक्योरिटी इदारे हमले को रोक सकते हैं या ना। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डन ने किया है कि रॉयल कमीशन के नतज से आइंदा इस किस्म के वाकियात की रोकथाम मदद मिल सी। गंदारा हिंदको बोर्ड दे रहे तमाम शाया होने वाले हफ्त रोजा अखबार हिंदकोमान के अदालती सफे के कलमा इकट्ठा करके किताबी सूरत दे दी गई है। किताब का उनवान हिंदको कलम कलामिया रखा गया है। किताब की कंपोजिंग के प्रूफिंग का काम मुकम्मल हो गया है, जबकि इंडेक्सिंग के काम जारी है। अनकरीब एक किताब छप के मंजरेआम से आ जा सी। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान ने लेग स्पिनर शादाब खान फिट हो गए हूँ, तो मेगा इवेंट पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सुन। इस गल का बाजाबता ऐलान अज मुतवक है, जबकि अज ही शादाब का लंदन ही डॉक्टर मुआयना कर सुन, जिसके बाद वो टीम में शामिल हो जा सुन। मुहम्मद आमिर की वर्ल्ड कप शिरकत मुश्किल है, जबकि मुहम्मद हफीज इंग्लैंड के खिलाफ चौथे वनडे मैच पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। मारूफ हिदायतकार सैयद नूर ने ईरान के इश्तराक के तामुन नाल फिल्म बनाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कई नामवर फिल्मा देने के हिदायतकार सैयद नूर ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है कि वह ईरानी फिल्म इंडस्ट्री के चाहने वाले हूँ। हाल ही ची उन्होंने फजर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से भी मदऊ किया गया है। ये फिल्म पहली फिल्म होगी जो पाकिस्तान और ईरान के इश्तराक से बनेगी, और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ ईरानी सिनेमा दुनिया जहान में राज कर रहा है, हमें एक ज़रूर सहारा मिलेगा उससे, और हम थ्रू ईरान हम इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएंगे इंशाल्लाह। जिथे उन्होंने बतौर जज शिरकत का मौका भी मिला, उथे एक फिल्म साज ते ईरानी अदाकार नाल फिल्म दे हवाले नाल गलकत भी हुई, जिसका बाकायदा ऐलान लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जा सी। हीरो ईरान से होगा, हीरोइन दो पाकिस्तान से होंगी, एक हीरोइन वहाँ से होगी, और स्पोर्टिंग एक्टर पाकिस्तान से होंगे डेफिनेटली, लाइक नदीम साहब। इस दे नाल ही खबर खत्म हुई, नवी खबर नाल वात हाजिर होसियां। अल्लाह हाफिज। आओ इनको सीखने हैं। ये गेम एंड्रॉइड प्ले स्टोर से आसानी डाउनलोड की जा सकती है। प्ले स्टोर सर्च बार से किड्स इनको लर्नर इंस्टॉल करो, तो आपने बच्चे इनको सिखाओ।